हीरो पाकिस्तानी से आपको मिलवाना है। तो एमएमए स्टाइल वर्ल्ड कप काजिकिस्तान में पाकिस्तानी नौजवान ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो एमएमए फाइटर अब्दुल बारी खान ने वर्ल्ड कप एमएमए में चांदी का तमगा जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। प्रिंस अब्दुल बारी खान एमएमए फाइटर हमारे साथ मौजूद है, जो कि काजिकिस्तान से सिल्वर मेडल जीत कर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रिंस अब्दुल बारी, वेलकम टू द शो। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि अपनी फाइट का एक्सपीरियंस बताएं, और फिर मेरे ख्याल में अभी आप बड़ा मौसम एंजॉय कर रहे हैं वहाँ काजाकिस्तान में। अच्छा मुझे बताएगा कि इस फाइट में आपका हरीफ कौन था, क्या सूरत हाल रही, और जब आपको ये मेडल मिला तो क्या तासुरात थे, आपके जज्बात उस वक्त क्या थे? माशाल्लाह बस जो हरीफ था वो पहला फाइट में लेके गया था रहा था, दूसरा फाइट जो मेरा फाइनल फाइट हुआ था वो काजिकिस्तान के साथ था। तो मैंने अगर बोल जाते थे शुरू बताइए इस मिलना लग जाते हैं हम लकड़ी देखते थे। अच्छा वैसे बारी साहब, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ के हमसे बात करेंगे ना तो आपकी आवाज़ हमें सही से आएगी, हमें आपकी बात समझ नहीं आ रही क्योंकि आपके इर्द गिर्द शोर है। तो माइक अपने करीब कर लीजिए, वो मेरे ख्याल में वेदर एंजॉय करना चाह रहे हैं, समझ सकें। बारी साहब वेदर एंजॉय करना चाह रहे हैं क्योंकि फाइट तो उन्होंने एंजॉय कर ली, सिल्वर मेडल भी ले लिया, अब वो कह रहे हैं जरा काजाकिस्तान की गलियों में घूमें फिरें, शॉपिंग वॉपिंग करें और एंजॉय करें, घर वालों के लिए कोई तोहफे तहाइफ जो है कुछ सुवेनियर्स लेके जाएं, क्योंकि सिर्फ सिल्वर का मेडल जो है वो तो उन्होंने कौम के नाम कर ही दिया है, पाकिस्तान के नाम, अब जा करके घर वालों के लिए भी कुछ तोहफे तहाइफ जो है वो ज़रूर खरीदेंगे। और अब इतने ज़्यादा एमएमए फाइटर्स हमारे पास शोज़ में आते हैं सारिश, का मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी तला जतोई की तरह एमएमए फाइटिंग ज्वाइन कर लूँ। तो आप बिल्कुल इंतज़ार किस बात का? पिटाई बहुत होती है उसमें, तो कोई मसला नहीं, आदत हो जाती है। वो तो है, वैसे भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह घर से ट्रेनिंग मिली हुई है, हम तो उस जनरेशन में से हैं जिसमें गलती दोस्त की होती थी तो दोस्त के अब्बू भी हमें मारते थे, बोलते थे तुम कैसे दोस्त, तो हमें पिटाई हो जाती। चलिए बारी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप भी पिटे हैं, आप भी फाइट के दौरान पिटे हैं या फिर नई मौका आया ऐसा? तो मगर मोड अच्छे चले, वो ये जो काजिकिस्तान का लगता था वो स्ट्रॉन्ग था मोड यार। हां हां हां, सबसे ज्यादा और अपने शुद्ध मैंने स्विमिंग की और स्ट्री कम से कम 6-7 महीने स्विमिंग करना पड़ता है। हां हां, अच्छा जबरदस्त। अभी अभी हमें अपने आगे के प्लान्स भी बता दें। अजीत तो बस ये मुझे हुकूमत सपोर्ट भी करे, इंशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। ये बताएं शॉपिंग पे किसके साथ आए हुए हैं? अच्छा अच्छा, दोस्तों के साथ आए हुए। नहीं, वो आपने कैमरा ऐसे रखा हुआ है जैसे घर वालों को नहीं बताना चाह रहे किन दोस्तों के साथ हैं। इतना करीब कैमरा करके रखा हुआ है कि कुछ नजर ना आ जाए, वो पीछे गाड़ी के शीशे में रिफ्लेक्शन आ रहा है। आपको पता है मिसाल अच्छा जरा बारी साहब बताइएगा, यहाँ तक पहुँचने में किसने आपको सपोर्ट किया, और आगे भी अगर आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है, कोई अपील कोई दरख्वास्त अगर आप करना चाहें? मैं हुकूमत पाकिस्तान और खासतौर हुकूमत पाकिस्तान से अपनी लाइफ की भी सबसे खतरनाक फाइट की और इस टूर्नामेंट की भी? अच्छा बारी साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह करे कि हुकूमत भी आपको सपोर्ट करे, और आपको जाहिर है इस हवाले से स्पॉन्सर्स भी चाहिए होंगे, सपोर्ट चाहिए होगी, तो हमारी दरख्वास्त हमने आपकी तरफ से भी कर दी है, आपने भी कर दी है, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आप कुर्बानियां खरीदिए वहाँ से, बड़ी अच्छी मिलती हैं टर्की और काजिकिस्तान से और उज़्बेकिस्तान से भी। हाँ जी, ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो इनके होती है ना कुर्बानियां, जिनकी चटनी बनती है, आप कुछ भी बना सकते हैं उसका, वो तो बेचारियों को कुछ भी पता नहीं होता, वो एतराज नहीं करती, कहते हैं साड़ी चटनी बना ले, खाते हैं और कुछ लोग उसकी चटनी बनाते हैं जो बड़ी मजे की होती है। एनी हाउ, वैसे आप काजिकिस्तान गए?
नहीं। अच्छा वैसे आपको इन्फॉर्मेशन, आई थिंक आपको ट्रैवलिंग का शौक है। मुझे बहुत शौक है जी ट्रैवलिंग का, और कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, गूगल के ऊपर घूमे। माशाल्लाह सबसे सस्ता काम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।